गाइस आज की इस वीडियो वीडियो में में हम हम सीखेंगे सीखेंगे बुक बुक स्टोर स्टोर के के लिए लिए लेटर लेटर हेड हेड कैसे कैसे बनाते बनाते हैं। हैं। तो तो गाइस गाइस सबसे सबसे पहले पहले आपको आपको अपना अपना एमएस एमएस वर्ड वर्ड ओपन ओपन कर कर लेना लेना है। है। इस इस वीडियो वीडियो में में हम हम एक एक बुक बुक स्टोर स्टोर का का लेटर लेटर हेड हेड बनाना बनाना सीखेंगे, सीखेंगे, तो तो वीडियो वीडियो को को लास्ट लास्ट तक तक देखिएगा। देखिएगा। सबसे सबसे पहले पहले हमें हमें एमएस एमएस वर्ड वर्ड ओपन ओपन कर कर लेना लेना है है और और एमएस एमएस वर्ड वर्ड ओपन ओपन करने करने के के बाद बाद सबसे सबसे पहले पहले हमें हमें पेज पेज साइज साइज सेलेक्ट सेलेक्ट कर कर लेना लेना है। है। इसके इसके लिए लिए हम हम पेज पेज लेआउट लेआउट पे पे जाएंगे जाएंगे और और A4 A4 साइज साइज सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे। करेंगे। A4 A4 साइज साइज सेलेक्ट सेलेक्ट करने करने के के बाद बाद हमें हमें इंसर्ट इंसर्ट में में जाना जाना है है और और वर्ड वर्ड आर्ट आर्ट इसका इसका प्रयोग प्रयोग करना करना है। है। यहाँ यहाँ पर पर हमें हमें हमारी हमारी बुक बुक स्टोर स्टोर का का नेम नेम लिखना लिखना है। है। देखिए देखिए हमने हमने हमारे हमारे बुक बुक स्टोर स्टोर का का नेम नेम लिख लिख दिया दिया है है और और इसका इसका हमें हमें साइज साइज बड़ा बड़ा कर कर देना देना है। है। अब अब हम हम इसे इसे सेंटर सेंटर पर पर सेट सेट कर कर लेंगे लेंगे और और कुछ कुछ कलर कलर डाल डाल देंगे। देंगे। इसे इसे हम हम कंट्रोल कंट्रोल ए ए करके करके बोल्ड बोल्ड कर कर देंगे। देंगे। इसके इसके बाद बाद हमें हमें अपना अपना एड्रेस एड्रेस लिखना लिखना है। है। हम हम फिर फिर से से इंसर्ट इंसर्ट का का प्रयोग प्रयोग करेंगे करेंगे और और एडवर्ड एडवर्ड आर्ट आर्ट का का यूज यूज करेंगे। करेंगे। यहाँ यहाँ पर पर हमें हमें हमारे हमारे शॉप शॉप का का एड्रेस एड्रेस लिखना लिखना है। है। अब अब दोस्तों दोस्तों इसका इसका हमें हमें साइज साइज थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करना करना है। है। हम हम इसे इसे कर कर देते देते हैं हैं 14 14 और और इसे इसे भी भी हम हम बोल्ड बोल्ड कर कर देते देते हैं हैं और और इसे इसे हम हम कुछ कुछ इस इस तरीके तरीके से से सेट सेट कर कर लेते लेते हैं। हैं। यह यह हो हो गया। गया। अब अब इसके इसके नीचे नीचे हम हम मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर लिख लिख देंगे। देंगे। फिर फिर से से हम हम वर्ड वर्ड आर्ट आर्ट का का यूज़ यूज़ करेंगे करेंगे और और यहाँ यहाँ पे पे हमें हमें हमारी हमारी शॉप शॉप का का मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर या या लैंडलाइन लैंडलाइन नंबर नंबर लिख लिख देना देना है। है। और इसे इसे सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल ऑल करके करके इसका इसका साइज साइज हमें हमें छोटा छोटा कर कर लेना लेना है है और और इसे इसे भी भी हम हम बोल्ड बोल्ड कर कर देंगे देंगे और और इसे इसे हमने हमने कर कर दिया दिया सेंटर सेंटर पे। पे। अब अब हम हम इसमें इसमें कुछ कुछ कलर कलर डाल डाल देंगे। देंगे। ओके ओके दोस्तों दोस्तों अब अब हमें हमें हमारे हमारे बुक बुक स्टोर स्टोर के के लिए लिए एक एक लोगो लोगो की की जरूरत जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी। इसके इसके लिए लिए हमें हमें इंसर्ट इंसर्ट पर पर जाना जाना है है और और पिक्चर पिक्चर पर पर क्लिक क्लिक करना करना है। है। यहाँ यहाँ से से आप आप अपना अपना बुक बुक स्टोर स्टोर का का लोगो लोगो चूज चूज कर कर सकते सकते हो। हो। ये ये हमने हमने चूज चूज कर कर लिया लिया है। है। ये ये देखिए देखिए कुछ कुछ इसका इसका आकार आकार कुछ कुछ ज़्यादा ज़्यादा बड़ा बड़ा है है तो तो हमें हमें इस इस पर पर डबल डबल क्लिक क्लिक करना करना है है और और रैप रैप टेक्स्ट टेक्स्ट पर पर क्लिक क्लिक करना करना है। है। इसे इसे हमें हमें करना करना है है इन इन फ्रंट फ्रंट ऑफ ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट। यह यह टेक्स्ट टेक्स्ट के के बैकग्राउंड बैकग्राउंड में में चले चले जाएगा जाएगा और और इसे इसे हमें हमें आप आप शिफ्ट शिफ्ट के के साथ साथ छोटा छोटा कर कर देना देना है। है। देखिए देखिए कुछ कुछ इस इस तरीके तरीके से से सेट सेट हो हो गया गया है। है। इसी इसी को को हम हम कॉपी कॉपी करके करके और और राइट राइट साइड साइड पे पे भी भी लगा लगा देंगे। देंगे। इसे इसे हमें हमें थोड़ा थोड़ा सेट सेट कर कर लेना लेना है। है। लेटर लेटर हेड हेड कंप्लीट कंप्लीट बनाने बनाने के के लिए लिए हमें हमें एक एक लाइन लाइन नीचे नीचे से से पैक पैक करना करना होगा। होगा। तो तो हमें हमें इंसर्ट इंसर्ट में में जाना जाना है, है, शेप्स शेप्स पे पे जाना जाना है है और और इस इस लाइन लाइन पर पर क्लिक क्लिक करना करना है है और और हमें हमें यहाँ यहाँ से से पकड़ पकड़ कर कर इसे इसे इस इस लाइन लाइन पर पर आखिरी आखिरी तक तक टच टच कर कर देना देना है। है। कुछ कुछ इस इस तरीके तरीके से से इसे इसे हम हम थोड़ा थोड़ा सीधा सीधा कर कर लेते लेते हैं हैं और और इस इस पर पर डबल डबल क्लिक क्लिक करके करके हम हम लाइन लाइन को को कलर कलर दे दे देते देते हैं। हैं। शेप्ड शेप्ड आउटफिल आउटफिल में में जाकर जाकर हम हम यहाँ यहाँ से से कलर कलर डाल डाल देंगे देंगे और और
इसी में जाकर हम इसकी विड्थ यानी मोटाई बढ़ा देंगे। इस पर हम क्लिक कर इसे थोड़ा ऊपर कर देंगे मोबाइल नंबर से टच। देखिए इस तरीके से, और अब हमें लिखना है सीरियल नंबर और डेट। इसके लिए हमें इंसर्ट पर जाना है और हम यहाँ से दो टेबल क्रिएट करेंगे। देखिए यह टेबल को जब भी स्टोर के नाम पर आ गया, हमें इसे यहाँ से पकड़ नीचे लाना पड़ेगा। और अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर और डेट लिखते हैं। सबसे पहले हम देते हैं सीरियल नंबर और यहाँ पे हम डॉट 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 लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे डेट। अब हमें क्या करना है, डेट को कर देना है राइट साइड में। तो डेट के बॉक्स पर क्लिक करके होम पर क्लिक करना है और हम यहाँ से अलाइनमेंट एडजस्ट करना है। हम डायरेक्ट यहाँ से राइट का चूज कर सकते हैं या फिर कंट्रोल आर कर सकते हैं। और अब इसे हमें थोड़ा सा बड़ा कर देना है, इधर से भी हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों ये सेट हो गया है। लेकिन अभी हमें इस लाइन को हटाना है जो चारों बॉक्स के रूप में बनी हुई है, क्योंकि इसके कारण हमारा सीरियल नंबर और डेट अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और हमें जाना है कहाँ पर, बॉक्स पे या बॉर्डर पे। यहाँ से हम नो बॉर्डर पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसके राइट साइड की बॉर्डर हट गई है। अब लास्ट में हमें पेज के बैकग्राउंड में हमें हमारी बुक स्टोर का वाटरमार्क लगाना है। तो इसके लिए हमें जाना है डिजाइन में और वाटरमार्क पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शन खुलेंगे, तो हमें कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करना है। यहाँ से हमें पिक्चर वाटरमार्क पर क्लिक करना है और यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हमें फ्रॉम अ फाइल यहाँ से कंप्यूटर से ब्राउज करना है उसे, और इस लोगो हमें चूज कर लेना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है और ओके इसे क्लोज कर देंगे। देखिए दोस्तों ये वाटरमार्क आ गया है हमारे पेज पर। अब हम इसे क्या कर लेंगे, पीडीएफ फाइल बना लेंगे या फिर डायरेक्ट सेव करके प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ फाइल बना के दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर डू पीडीएफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेव टू डू पीडीएफ। इसका यूज करके हम हमारे लेटर हेड को पीडीएफ में सेव कर लेंगे। हम यहाँ से ब्राउज करके इसे लोकेशन दे देते हैं, हम इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। लेटर हेड नाम से और यहाँ से इसे सेव कर देते हैं। अब इसे ओके कर दीजिए। देखिए दोस्तों हमारा लेटर हेड तैयार हो चुका है और हमारा वाटरमार्क भी आ गया है। कुछ इसी तरीके से हमारा लेटर हेड तैयार हो चुका है, हम इसे थोड़ा छोटा करके भी देख सकते हैं। ये देखिए 75 पे। इस तरीके से आप एक अच्छा लेटर हेड बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और नई वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।